बारामूला प्रशासन ने खानाबदोश परिवारों की स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू की जो कंडी क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं और अब अन्य स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं। इस तरह का पहला अभियान कंडी क्षेत्र के बांडी बाला गांव में किया गया था, जहां दर्जनों बकरवाल परिवारों की स्क्रीनिंग की गई थी। अब ये परिवार आने वाले कुछ दिनों में अपने घर लौटने के लिए तैयार है। वहाँ के तहसीलदार ने बताया कि मेडिकल ब्लॉक तंगमार्ग, राजस्व, पशु और भेड़ पालन से संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आज 120 परीक्षण किए जाएंगे। ये खसूसी एक तिब्बी कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था। ये जो लोग हैं जो बक्स में जा रहे हैं माल मवेशी लेके, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पे हमारे मेडिकल ब्लॉक टंगमर की तरफ से एक तिब्बी कैंप वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उन सब की जांच हुई जो जाने वाले हैं। उनमें से जो भी हमें शकावर लगे उनको हमने इजाज़त नहीं दी अभी फर्दर जाने की। उनका फर्दर टेस्ट वगैरह बाकी जो भी चीज़ें हैं मेडिकल के तिब्बी महकमे के हिसाब से, तो वो हम यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग में करके उनको बाज़ाबता इजाज़त। अभी तकरीबन अभी 185 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका था।